सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रम्बेट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कनकधारा स्तोत्र, जिसकी मदद से आदि गुरु शंकराचार्य ने एक गरीब ब्राह्मण के घर पे सोने की बारिश करवाई थी। शंकराचार्य से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, जो कि एक सिद्ध पुरुष थे। आदि गुरु शंकराचार्य एक बार एक गरीब ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन वो ब्राह्मण इतना गरीब था, ब्राह्मण और उनकी जो पत्नी थी वो इतने गरीब थे कि वो आदि गुरु शंकराचार्य को कुछ दे नहीं पाए। ढूंढने पर उनके घर पे एक सूखा हुआ आंवला मिला, तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उन्होंने आदि शंकराचार्य को सूखा हुआ आंवला दिया। इससे शंकराचार्य जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने धन की देवी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि ये जो गरीब ब्राह्मण है उनकी दरिद्रता आप अभी इसी क्षण दूर करें। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने लक्ष्मी जी को जो प्रार्थना की थी वही प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के प्रार्थना करने के बाद उस गरीब ब्राह्मण के घर पे लक्ष्मी जी ने सोने के आंवला की बारिश करवाई और वह ब्राह्मण दरिद्र से बहुत ही धनवान बन गया। तो ये जो कनकधारा स्तोत्र है उसका एक अपना महत्व है, उसकी रचना स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। मैं वीडियो में आपको कनकधारा स्तोत्र बोल के नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, ना तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकता हूँ क्योंकि इतना लंबा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नहीं आएगा। लेकिन इसकी विधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आपको इसका पाठ करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी दुकान से जहाँ पे ईश्वर से जुड़ी जो सारी चीज़ें मिलते हैं, तंत्र यंत्र वगैरह, वहाँ पे आप जाके कनकधारा स्तोत्र एवं आप उसका यंत्र ले आए। उसकी पूजा करने के लिए आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, करीबन 5 से 7 बजे के बीच में। आप स्नानादि से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ आसन बिछा के बैठ जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, यंत्र को आपके देवस्थान में स्थापित करें, घी का आपको दिया जलाना है, आप धूप बत्ती से यंत्र की पूजा करें, चावल कुमकुम वगैरह पुष्प इत्यादि चीज़ों से आप यंत्र की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करें, जिसे कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। आपको हर रोज़ इसका पाठ करना है। अगर आप किसी दिन इसकी पूजा करना या पाठ करना चूक भी जाते हैं तो भी इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि अपने आप में सिद्ध एवं चैतन्य मंत्र है। तो कनकधारा स्तोत्र का उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो केवल श्रद्धा से इसका पाठ करने की। अगर आपके मन में कोई शंका होगी या आप श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपके घर में सोने की बारिश नहीं होगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।